आदाब अहले लखनऊ, हमारे शहर की जो शिनाख्त है वो हम तो नहीं, हमारा नाम जरूर है। हम अदा तो नहीं है, नजाकत भी नहीं, नम्रता है हम, भले नाम से ही सही। तो कल 27 जुलाई थी, क्या किसी को पता है कि ये दिन क्यों खास था हमारे लिए? इट वॉज 26th of July। यस्टरडे वॉज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर कलाम। ओके, 3 साल पहले उनकी डेथ हुई थी ऑन 27 जुलाई 2015। कल 3 साल पूरे हुए हैं। तो एक शाम में उनकी डेथ हुई थी किसी लेक्चर के दौरान, IIM या मणिपाल भी शायद, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं याद है, नॉर्थ ईस्ट का कोई कॉलेज था। तो शाम को पता चला, अचानक से ही पता चला। तो जैसे ही जब आपको कोई खबर मिलती है और आपके दिमाग में जो कुछ होता है आप तुरंत उसको मतलब निकाल देना चाहते हो पेपर पे, हमारे जैसे लोग जो लोग थोड़ा बहुत लिखते विखते हैं। तो बस वही है, उसी पोएम की, उस पोएम की भी 3rd एनिवर्सरी एक्चुअली कल थी। तो वही है, एक हाथ में गीता दूजे में कुरान लिए, एक हाथ में गीता दूजे में कुरान लिए, साधारण से वेश में असाधारण पहचान लिए, हो भारत रत्न या मानद उपाधियां 40 विश्वविद्यालय की, मानद उपाधियां दैट इज ऑनररी डिग्री, हो भारत रत्न या मानद उपाधियां 40 विश्वविद्यालयों की, तुम्हारे व्यक्तित्व या प्रतिभा के आगे इनकी क्या मजाल टिक पाने की, पोखरण टेस्ट के समय पर दिखाई थी हिम्मत तो दया याचिका पर विचार करने में दिखी इंसानियत, मिसाइल्स के सफल प्रयोग से एक बड़े साइंटिस्ट बने, पर अलौकिक व्यक्तित्व के कारण ही आप लोगों के आदर्श बने, राष्ट्रपति बनकर भी उस पतित्व से जो दूर रहे, रायसीना हिल्स पर चढ़कर भी अपनी जमीन से जो जुड़े रहे, क्या हिंदू और क्या मुस्लिम इन लफ्जों से वो अनजान रहे, बच्चे बूढ़े और युवा पूरे देश के ही वो शान रहे, अब तक की पीढ़ी के लिए हैं बिल्कुल ही जाने पहचाने, आने वाली पीढ़ी जब मिसाइल सुने तो उससे पहले मिसाइल मैन को जाने, आई थिंक एवरीबडी नोइंग अबाउट दैट। अब तक की पीढ़ी के लिए तो है बिल्कुल जाने पहचाने, आने वाले जब सुने मिसाइल तो उससे पहले मिसाइल मैन को जाने, शब्दों में बांधना है बहुत कठिन, शब्दों में बांधना है बहुत कठिन, दिमाग रुके ना कलम रुके, बस कलाम इतना ही कहकर ये कलम तुझे अब नमन करे। शुक्रिया।